नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ पतझर में टूटी पत्तियां का दो भाग है, झेन की देन और गिन्नी का सोना। तो मैं झेन की देन इजी रूप में, आसान रूप में आप लोगों को समझाने जा रही हूं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और समरी और व्याकरण का भी बहुत सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही आसान रूप में आसानी से आप व्याकरण का जो भी मैं बनाई हूँ उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं झेन की देन इसका इजी रूप में, आसान रूप में आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। झेन की देन नामक पाठ में आत्मिक शांति के महत्व को दर्शाया गया है, यानी इस पाठ में यह दिखाया गया है कि आत्मिक शांति किस तरह से मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर कितना भी सुख सुविधा मिले, कितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य मिले, लेकिन अगर आत्मिक शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है, तो सारा धन संपत्ति सुख संपदा व्यर्थ हो जाता है। तो झेन की देन में इसी पाठ को दिखाया गया है। जापानियों में बढ़ती मनोरुग्णता, लेखक ने जापान में एक मित्र से पूछा, लेखक एक बार जापान गए थे एक मित्र के साथ, तो उन्होंने पूछा कि जापानियों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है। तो उनके मित्र उत्तर दिया कि मनोरुग्णता, यानी मन की बीमारी, मतलब मानसिकता, मानसिक रोग यहाँ बहुत होती है। मित्र बताने लगे वहाँ के जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, हर आदमी अमेरिका से हो कर रहा है, यानी यहाँ की जो जीवन है, जापान की जिंदगी काफी रफ्तार पकड़ ली है, मतलब स्पीड, तेज गति से हर लोग, हर इंसान जो है हर काम को तेज गति से करना चाह रहे हैं। हर आदमी अमेरिका से होर कर रहा है, मतलब अमेरिका से हर आदमी होर कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, अतः लोग चलने की जगह भागने लगे हैं, बोलने की जगह बकने लगे हैं, दिमाग की रफ्तार तेज रहने लगी है, स्पीड का इंजन लगने पर दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा इंजन टूट जाता है। यानी उनके मित्र कह रहे हैं कि लोग चलने की जगह यहाँ पर भागने लगे हैं और बोलने की जगह बकने लगे हैं और दिमाग की रफ्तार तेज चलने लगी है। इसके कारण क्या हो गया है, कंपटीशन इतना अधिक हो गया है वहाँ कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कभी भी ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है। स्पीड का इंजन लगने पर दिमाग का तनाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा इंजन ही टूट जाता है। उनके मित्र बताए कि आदमी इतना सोचने लगते हैं, हर आदमी इतने स्पीड में चल रहे हैं, इतने गति से काम करने के लिए भागते हैं कि क्या होता है, हर काम तो बुद्धि से, दिमाग से ही करना पड़ता है, तो कभी कभी क्या होता है, इंसान का ब्रेन भी, ब्रेन का नस फट जाता है, यानी ब्रेन कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है, मानसिक रोग भी हो जाते हैं, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन यह सब कारण है तेज भागती हुई जिंदगी का रफ्तार। टी सेरेमनी का अनुभव, अब लेखक का मित्र शाम को उसे टी सेरेमनी में ले गए। जापान में चाय पीने की इस विधि को 4 नो यू कहते हैं। एक 6 मंजिली इमारत की छत पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाई गई थी। एक 6 इमारत एक छत थी जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर झोपड़ी पर्णकुटी बनाई गई थी। लेखक और उसके मित्र ने पास रखे बर्तन से पानी लेकर हाथ मुंह धोए और अंदर गए। अंदर चाणिज बैठा हुआ था।
वह स्वागत में उठा और कमर झुकाकर प्रणाम किया। उसने बैठने का निमंत्रण दिया। अब सबको बैठने के लिए रिक्वेस्ट किए उन्होंने। फिर अंगीठी सुलगाई मतलब आग जलाई, चायदानी रखी, उस पर चायदानी मतलब चाय बनाने का जो सस्पेन वगैरह होता है उसको रखा गया। पास के कमरे से बर्तन लाया गया और उन्हें तौलिए से पोंछने लगा। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण मतलब इतने ही सुंदर ढंग से हो रहे थे मानो जय जय वंती के सुर गूंज रहे हो। वातावरण बहुत ही शांत था, यानी लेखक बता रहे हैं कि वहां जो चाइनीज व्यक्ति थे हर काम इतने गरिमा ढंग से गरिमापूर्ण ढंग से सुंदर ढंग से कर रहे थे। वहां बहुत ही शांति का वातावरण चारों तरफ छाया हुआ था, शांति का अनुभव। चाय तैयार हुई। अब लेखक बता रहे हैं कि चाय तैयार हो गई, उसे प्याले में डाला गया। कुटी में तीन मित्र थे, अन्य किसी के लिए स्थान भी नहीं था। तीन मित्र थे साथ में, कपों में दो दो घूंट चाय थी, सिर्फ दो दो घूंट चाय दी गई। वहां महत्व शांति का था, मतलब वहां शांति के लिए लोग गए थे। वे तीनों एक एक बूंद चाय पीते हुए डेढ़ घंटे तक चुस्कियां लेते रहे। इन तीनों व्यक्तियों ने क्या किए, एक एक बूंद चाय डेढ़ घंटे तक चुस्कियां लेकर पीते रहे। लेखक को शुरू के 10-15 मिनट तो अजीब लगा, मतलब उनको अजीब सा लग रहा था। बाद में उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होती गई, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। लेखक को लगा मानो वह अनंत काल में जी रहा हो, उसे सन्नाटा तक सुनाई देने लगा। लेखक जब वहां एक एक बूंद चाय पिए चुस्कियां लेकर पी रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दिमाग की रफ्तार धीमी हो गई है, यानी मन बहुत ही शांत हो गया था। जो इधर उधर की बातें सोच रहे थे वह सारा सोचना बंद हो गया था और ऐसा लग रहा था कि असीम अनंत काल मतलब असीम शांति का वहां अनुभव हो रहा था। यहाँ तक कि एक एक सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। वर्तमान का अनुभव, यहाँ लेखक कहते हैं कि प्रायः हम या तो गुजरे हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य के सपने देखते रहते हैं। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हर मनुष्य जो भी है इस धरती पर कुछ न कुछ गुजरे हुए बातों की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य के बारे में सपने देखते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं कार खरीदूंगा, हवाई जहाज खरीदूंगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। जबकि दोनों चीज मिथ्या होती है, मतलब कितना भी हम लोग ख्वाब क्यों नहीं देख लें पर सत्य सत्य ही होता है। सत्य है वर्तमान। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सत्य या जो भी हम लोग सोचते हैं वह सारा चीज झूठा होता है, सत्य केवल वर्तमान है। क्योंकि केवल सोचने से ही सब चीज नहीं मिल जाता है, जब हम कुछ करेंगे तब तो हम पाएंगे। तो वर्तमान में जो हम काम करेंगे, वर्तमान मतलब अभी जो हम काम करेंगे वही भविष्य के लिए वही हमारा मंजिल होगा। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में केवल वर्तमान रह गया और लेखक उस पल अनुभव कर रहे हैं कि चाय पीते पीते उनके दिमाग में केवल वर्तमान की बातें रह गई और जो भी भूत भविष्य की बातें थी वह सारा खत्म हो गया और वह अनंत काल जितना विस्तृत था और बहुत ही वहां पर असीम शांति हो रही थी। इसी को जीना कहते हैं। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह शांति ढंग से काम करते हैं वही जीना जीवन जीना होता है, सार्थक उसका ही जीना होता है, न कि भागदौड़ भरे जिंदगी में दूसरे से मुकाबला करते हुए अपने दिमाग के सुख शांति को खो देना, यह जीवन नहीं है। असली जीवन का यथार्थ जीवन जो है वह शांति भरा जीवन होता है और मन की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती है। जापानियों की यह झेन परंपरा सचमुच निराली है। लेखक जब जापान में यह झेन की परंपरा यह जो अनुभव किए यह बहुत ही निराली है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे दिमाग को शांति मिलती है और मंजिल को पाने में आसानी भी होता है। तो बच्चों यह आप समझ गए झेन की देन का, यही था। और अभी मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? उत्तर, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात इसलिए कही है क्योंकि वे बहुत गति से प्रगति करते हैं। वे एक ही दिन में महीनों का काम निपटा देना चाहते हैं, इस कारण वे तनावग्रस्त मतलब अशांत रहते हैं। आगे प्रश्न है, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? उत्तर, जापान में चाय पीने की विधि को टी सेरेमनी कहते हैं। यह झेन परंपरा की देन है।
छठा प्रश्न, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? उत्तर, जापान में जहाँ चाय पिलाई जाती है वह स्थान पर्णकुटी जैसा सुसज्जित है, बहुत ही सुंदर रूप में एक झोपड़ी सा हट जैसा बना हुआ है। प्राकृतिक ढंग से सजे इस छोटे से स्थान में केवल 3 लोग बैठकर चाय पी सकते हैं। आगे प्रश्न है, चाइनीज ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? उत्तर, चाइनीज ने अतिथियों का स्वागत, अंगीठी सुलगाना, उस पर चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलियों से साफ करना आदि क्रियाएं बहुत ही गरिमापूर्ण मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से की। तीसरा प्रश्न है, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? उत्तर, टी सेरेमनी में केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था क्योंकि इस सेरेमनी में शांति का बहुत महत्व होता है, इसलिए अधिक लोगों को वहां प्रवेश नहीं दिया जाता। चौथा प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? उत्तर, चाय पीने के बाद लेखक ने अनुभव किया कि मानो उसके दिमाग की गति मंद हो गई है। धीरे धीरे वह दिमाग चलना बंद हो गया, यानी जो भी मन के अंदर चंचलता थी वह सारा खत्म हो गया और मन के अंदर शांति स्थापित हो गई। तब उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा, वर्तमान काल अनंत काल जैसा लंबा प्रतीत होने लगा। आगे प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए, आप इन कारणों से कहाँ तक सहमत है? उत्तर, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के निम्नलिखित कारण बतलाए। पहला, जापान के लोग प्रगति में अमेरिका से होर करते हैं। दूसरा, वे 1 महीने का काम एक ही दिन में करना चाहते हैं। तीसरा, वे पहले से तेज चलने वाले दिमाग को और अधिक तेज गति से चलाना चाहते हैं। मैं इन सब कारणों से सहमत हूँ, अत्यधिक हाय तौबा से मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ता है, यह स्वाभाविक है। 7वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक के अनुसार मनुष्य बीती हुई यादों में जीकर तनाव में रहता है, परंतु वे क्षण तो बीत चुके होते हैं। इसी प्रकार वह जिन सपनों में जीता है वे भी सच नहीं होते, केवल वर्तमान काल ही हमारे सामने होता है, हम उसी क्षण में जीते हैं और कर्म करते हैं। यदि हम केवल वर्तमान में जिए तो हम हाय तौबा नहीं मचाएंगे, बेकार की भागदौड़ नहीं करेंगे, तब हमारा हर काम गरिमापूर्ण होगा। 3रा प्रश्न है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बरबराते रहते हैं। उत्तर, जापानी लोगों की जीवन की गति बहुत तेज हो गई है, वे सामान्य ढंग से गरिमा पूर्वक चलने की बजाय बेतहाशा भागते हैं ताकि अधिक से अधिक काम कर सके। वे स्वाभाविक रूप से बोलने की बजाय आवेश में आकर बकते हैं, उनके पास स्वाभाविक रूप से बोलने का समय नहीं होता। वे लोग अकेले में भी शांत नहीं होते, उनके जीवन में तनाव, निराशाएं और कुंठाएं उन्हें हिलाकर रख देती है, अतः वे एकांत में भी बरबराते रहते हैं। आशा यह है कि वे तनाव से भरपूर जीवन जीते हैं। 4था प्रश्न है, सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हैं। उत्तर, टी सेरेमनी में चाइनीज ने लेखक और उसके मित्र का स्वागत, अंगीठी जलाना, चायदानी रखना, बर्तन लाना, उन्हें तौलियों से पोछना आदि कार्य इतने गरिमापूर्ण ढंग से किए कि मानो उसके एक एक काम से संगीत का कोई उल्लास राग निकल रहा हो, उसका एक एक काम मनोहारी प्रतीत हुआ। तो बच्चों, इसके साथ ही पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों, धन्यवाद।